बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मास्टर ब्लॉक फैक्ट्री में आए हैं। ये मेरे छोटे भाई जो सिकंदर साहब ने ये मास्टर ब्लॉक फैक्ट्री बनाई है, आज हम इसके बारे में मज़ीद सीखेंगे कि अगर एक कोई भी बंदा अगर नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसमें बेस्ट ऑप्शन में से ये एक बेस्ट ऑप्शन है कि वो ब्लॉक फैक्ट्री जो है ना वो स्टार्ट की जा सकती है। एक एंटरप्रेन्योरशिप भी आप कह सकते हैं, स्मॉल स्टार्टअप हो सकता है। तो आज हम देख रहे हैं कि हमारी मास्टर ब्लॉक फैक्ट्री और इनकी क्या क्या प्रोडक्ट्स है। इसमें आज का जो हमारा व्लॉग है वो इसी के बारे में है। मास्टर ब्लॉक फैक्ट्री जो है हमारे वालिद मोहतरम मास्टर गुलाम रसूल के नाम से बनी है। उनके पहला जो मास्टर जो है ना उस बिना पर ये नाम रखा गया है। और ये लाला मूसा के करीब जो है ना धामा एक जो एक हमारा एक कम्युनिटी यहाँ पर एक एरिया है वहाँ पर डिंगाड़ा धामा रोड के ऊपर वाक़ है। और ये तकरीबन इसमें जो प्रोडक्ट शुरू हम स्टार्ट इन्हें हो चुकी हैं वो आज हम उसके में मज़ीद जानेंगे। और ये भी इसमें देखेंगे कि हम तालीमी लिहाज से और बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से और एक बेहतरीन इसमें क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो हम देखते हैं कि जैसे यूएई के अंदर इसको मसना कहा जाता है, ब्लॉक फैक्ट्री यानी तबूक जो बनते हैं ना, तो पाकिस्तान में अभी ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमारे एरिया में पहले नहीं था, ज़्यादा ब्रिक्स फैक्ट्री का ही होता था। अब इसके बारे में हमारे सामने ये पीछे देखे पूरा स्टॉक लगा हुआ है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के फुल जो है यहाँ पर स्टॉक है। और अगर हम पीछे इस पर इधर देखें वो हमें नज़र आ रहा है, ये वाला आ रहा है। तो इसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। ये फुल है, वो तकरीबन हालो होता है। और इससे पहले हमने एक वीलॉग बनाया था वहाँ पर क्रशर के अंदर, यूएई के अंदर, आप समझेंगे ये उसी का एक्सटेंशन है कि वो छोटी बजरी जो एग्रीगेट हमने कहा था ये सामने नज़र आ रही है मैं पीछे, तो किस तरह ये आगे इसका इस्तेमाल होता है। पीछे मशीनें लगी हुई हैं और लोडिंग के लिए ट्रैक्टर ट्राली और ये लोडर खड़ा है साथ, तो नज़दीक डिलीवरी के लिए भी यहाँ से होते हैं। तो मज़ीद हम सिकंदर साहब से भी जो है वो आज पता करेंगे कि इसमें कौन कौन सी ब्लॉक के क्या साइज़ हैं और क्या प्रोडक्ट वो दे रहे हैं। इसके साथ सीमेंट भी हो रहा है और जो है प्रोडक्ट लाइन मज़ीद इसमें ऐड कर रहे हैं, तो वो हम जानने की कोशिश करेंगे। कैमरा मैन के चौधरी दानियाल वो साहब हमारे साथ हैं आज, तो चलते हैं फिर मज़ीद इसको बारे में। जी अभी जो साहब आए हैं, छोटे भाई मेरे प्यारे भाई जो हैं, अभी ये हमें बताएंगे इसके बारे में। जी जो साहब क्या आप बताएंगे कि क्या क्या इसमें आप बना रहे हैं, क्या क्या चीज़ मज़ीद आगे फ्यूचर में इंशाल्लाह इसमें आप ऐड करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम निकाला। एक्चुअली अभी जो ट्रेंड चल रहा है ये ब्लॉक्स का चल रहा है ना, तो हमने तकरीबन दुबई में सारी ज़िंदगी गुजारी, यूरोप में भी गया हूँ लेकिन दुबई में ये चीज़ें देखी थी। ये जो है ना साफ़ बजरी, हम मंगला वाली साइड की इसमें बजरी डालते हैं, इसमें ये वाश हुई होती है। दो किस्म की बजरी होती हैं, एक जो है वो पहाड़ी इलाके की होती है, वो वाश नहीं होती, उसमें मिट्टी होती है। मंगला साइड की जो होती है ये वाश होकर बजरी आती है, तो होती है वो महंगी, लेकिन म्यार के लिए हम वो जो साफ़ बजरी और वाश हुई बजरी है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें सीमेंट होता है, बजरी है, और उसके बाद रेत जो है वो हम यूज़ करते हैं बिम्बर दरिया की जो है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी अवाम का इस तरफ काफ़ी ध्यान हो चुका है इन ब्लॉक्स की तरफ, तो हमने कोशिश की कि एक अच्छा मियार और एक मुनासिब रेट पर लोगों को ये चीज़ दस्तयाब की जाए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना शुक्र है कि काम भी अच्छा चल रहा है और लोग इसकी तरफ इन्होंने ध्यान भी कर लिया। ये बताएं कि ये इसमें कौन कौन से एक यानी कौन सी किस्म के आप बना रहे हैं और किस साइज़ के अभी बन रहे हैं जो अभी तक? इसमें हमारे पास जो डिमांड है ना वो डिमांड है तकरीबन तीन किस्म की डिमांड यहाँ हमारे लाला मूसा में चल रही है। अच्छा। ये आपके सामने पड़ा हुआ है ये 6-8 4 इंच चाहिए, 6-4 इंच ठीक है, 8 इंच की ऊँचाई होती है। सॉरी मैं उसके बता रहा था, ये जो 4 इंच के है ना ये तकरीबन इसको हम ये 6 4 6 12 इंच इसका साइज़ होता है।
ये लंबाई में ऐसे चौड़ाई में जिसको गिन लें वो तकरीबन 12 इंच होगा फुट के बराबर, और इसकी चौड़ाई जो है वो 4 इंच और लंबाई जो ऊपर की साइड में है वो 6 इंच होगी इसकी। और इसमें दूसरी जो है ये हेलो इसको कहते हैं, खाली ब्लॉक जो है ना हेलो, ये 6, 8, 16 इंच है, ये खाली होते हैं अंदर से, और ये इसके चौड़ाई समझ लें वो तकरीबन 16 इंच होती है और ऊंचाई जो है वो 8 इंच होती है। और तीसरा जो आ रहा है जो इसके साथ पड़ा है या वो साथ में वो साइड में स्टॉक लगा हुआ है, ये 6, 8, 12 इंच होता है, इसको हम ठोस ब्लॉक कहते हैं, जो हम फंडीशन के ऊपर जहाँ मिट्टी डालनी होती है भर्ती वगैरह उधर ये लगाते हैं स्पेशली, और इसके ऊपर जो है ज़्यादा लोग जो हैं वो हेलो इस्तेमाल करते हैं जी। तो अभी सिकंदर भाई ने बताया कि इधर हमारे पास इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 3 किस्म के जो है ना ये शाम अरबी में तबू कहते हैं, मतरूस यानी फुल हैं, और अगर इधर देखें तो ये हॉलो है जिसमें तो गैप नज़र आ रहा है, और तीसरा जो है वो पीछे स्टार्ट पड़ा हुआ है जो स्टार्ट में हमने स्टार्ट किया था। अब हम सिकंदर भाई से जानने की कोशिश करेंगे कि इसको इसमें क्वालिटी का जो बात होती है कि किस तरह क्वालिटी लाई जाती है, और किस तरह आपके ये माशाल्लाह जितना भी स्टॉक पड़ा हुआ है ये सारा डिमांड पर हो रहा है, और डिमांड ही मीट नहीं हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, ये कि इतना काम बढ़ गया है कि भाई और सारी ये जितना पूरे लोग काम कर रहे हैं दिन रात ये मेहनत हो रही है, तो किस तरह ये क्वालिटी आप किस तरह इसको बेहतर करते हैं? एक्चुअली यहाँ पर जो काफ़ी तादाद में फैक्ट्रीज वगैरह जो मैंने देखी है अनएक्सपीरियंस है, उनको इतना तजर्बा नहीं है, उनके पास कोई थोड़ा पैसा ही इकट्ठा हुआ है, फ़ंड इकट्ठा हुआ है, उन्होंने ब्लॉक फैक्ट्री लगा ली है, लेकिन उनको मेन चीज़ें इसमें नहीं पता है अभी लोगों को। मेन चीज़ें ये है कि ब्लॉक कोई आदमी लेता है, एक बिल्डिंग बनाता है, ज़ाहिर उसको एक अच्छी चीज़ चाहिए कि कल को खुदा न खासा उन ब्लॉक्स कमज़ोर की वजह से वो बिल्डिंग जो है वो नीचे ना गिर जाए। ब्लॉक जब भी बनाते हैं आप उसमें जितनी तादाद रखते हैं उसमें 48 भी रख सकते हैं, 46 भी रख सकते हैं, 50 भी होती है, 50 से ऊपर नहीं, इससे नीचे नीचे जितनी भी आप रख लें। अच्छा, इसमें ये है कि जब वो ब्लॉक आप बनाते हैं उसकी जो आपका कारीगर है उसको चाहिए कि उसकी प्रेस अच्छी दे, और उसके बाद इसको पानी अच्छा खासा लगाया जाए, अच्छे खासे पानी की ये होगा कि ये ब्लॉक पक जाएंगे, अच्छे मजबूत हो जाएंगे, कि जैसे ईंट किसी ज़माने में अपना पहचान बनाई थी, इसी तरह अगर ब्लॉक अच्छा है तो वो भी अपनी पहचान बना चुका है, कि ईंट और सीमेंट अपना सॉरी ब्लॉक जो है ना ये सेम एक ही ताकत रखते हैं, इससे ज़्यादा अभी मैं ईंट वाले भी मेरे दोस्त हैं, मैं ऐसी बात नहीं कहना चाहूँगा, उनकी नसीब किस्मत उनके साथ है, लेकिन ये कि ब्लॉक जो है इनसे काफ़ी सस्ता भी पड़ता है आपको, जहाँ बिल्डिंग आपकी 20 लाख में बनती है ये 8.5 लाख में आपके ब्लॉक अच्छे मजबूत क्वालिटी वाले हों तो आपकी बिल्डिंग भी अच्छी बनेगी, और ये 50-100 साल इसकी अल्लाह ताला खैर खरीत रखे तो ये अपनी टाइम निकालती है। सबसे मेन चीज़ इसको पानी लगाना है, अच्छा पानी लगाएं और इसकी सीमेंट की तादाद अच्छी रखें और प्रेस इसकी अच्छी हो, ये 3 चीज़ों का ध्यान हो तो ये बेहतरीन ब्लॉक बनते हैं। अभी देखिए तुम्हें भाई ने ये बताया कि ये 3 चीज़ें, पानी, उसमें सीमेंट अच्छा रखें और उसको अच्छा प्रेस करें, और फिर उसमें मुनासब जब उसको बना के रखते हैं तो अगर आप इधर देखें, इधर अगर आप देखें तो उसमें थोड़ा मुनासब गैप हो, तो ये सिकंदर भाई बता रहे हैं कि ये सबसे अच्छे बनते हैं, और जब इसको कंस्ट्रक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो ये पायदार भी बनती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन आजकल जो भी हो रही है उसके साथ वो पिलर बनाते हैं, शायद पिलर फाउंडेशन और पिलर का हिसाब है ना, वो अच्छा होना चाहिए। तो अगर हम इसको ईंट के हिसाब से, जैसे आपने बताया कि ये 20 लाख के बजाय 8.5 यानी कॉस्ट इफेक्टिव भी है, यानी कम कीमत में आप एक बहुत अच्छी इमारत बना सकते हैं, तो अगर महंगाई तो वैसे और एक है लेकिन फिर भी उस लिहाज से देखा जाए तो ये काफ़ी सस्ता भी बनता है। तो अगर हम इसको, अगर आप ये बड़ी अच्छी बात की कि ज़र जो ब्रिक फैक्ट्री है या भट्टा जो ईंट बनती है वो भी ज़र उसके अपने प्लस पॉइंट भी है, नेगेटिव भी हैं, लेकिन इसमें मुझे नज़र आ रहा है कि पोल्यूशन वगैरह नहीं होती। दूसरा, अगर ईंट से कंपेयर करें जी जी, तो क्या ख्याल करते हैं किस तरह ये बेहतर होता है? ये देखें जी, ये जो ब्लॉक्स पड़े हुए हैं ना, जैसे ही आपके पीछे हेलो ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये तकरीबन आपकी 8 ईंटें होंगी तो एक ब्लॉक बनेगा। 8 ईंटें? अच्छा, 8 ईंटें होंगी तो एक ब्लॉक बनेगा। आप 8 ईंटों का हिसाब लगा लें, फॉर एग्ज़ाम्पल वो 80 रुपये की बनती हैं, ये एक ब्लॉक जो है आपको 40 में मिलता है, ठीक है,
तो जब ये आफ आपका फ़र्क पड़ गया कि नहीं पड़ गया, आप 10,000 ईंट लगाते हैं उसका हिसाब लगा लें और आपका 1,000 ब्लॉक लगाएं तो वो किधर जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। पहला जो हमारा वक्त था, अंग्रेज़ों ने जो काम छोड़ा था, ईंटें जो हम मिट्टी के साथ लगाते थे, जैसे ये ईंटें मेरी मिट्टी के साथ लगी हुई, जब हम ये उतारेंगे तो ये ज़ाहिर है ये बिल्कुल साफ़ निकलेंगी। और सीमेंट के साथ आप ईंट लगाकर कैसे उसको वापस आप निकाल सकते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। उससे बेहतर है कि ब्लॉक जो हैं, ब्लॉक्स आपको सस्ते भी पड़ते हैं और इसमें आपका सीमेंट भी कम, रेत भी कम चलेगी और जो लेबर वगैरह होगी उनकी भी, ये बहुत जल्दी आप उससे ढांचा अपना तैयार करा सकते हैं, फाउंडेशन बनाएं, ऊपर ब्लॉक चलाएं। मतलब ईंटों से आधे आधे का फ़र्क है, 20 लाख 8.5 लाख काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि 8.5 लाख में यही भी इमारतें बना देता है और 20 लाख में ईंटों से बनता है और इसमें काफ़ी बचत होती है। बस ये हर इंसान अभी इस तरफ ध्यान भी कर चुके हैं माशाल्लाह, काफ़ी अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर कि हमारे पास अल्लाह का बहुत करम है कि इतने आर्डर हैं कि हमारे पास माल नहीं पूरा हो रहा। अब अच्छा, ये तो एक हो गया आपकी प्रोडक्ट लाइन, यानी जो है वो ये ब्लॉक्स हैं जिसे हम तबूक भी कहते हैं बड़ी जी जी। इसके अलावा आप क्या क्या साथ साथ सेल कर रहे हैं? मैं लाला मूसा के साथ दामा में बैठा हूँ, ये दामा और लाला मूसा ज्वाइंट ही है फाटक के साथ। ये मास्टर ब्लॉक फैक्ट्री के अंदर अंदर आपको मिलेगी ब्लॉक्स वगैरह भी हर किस्म के, ठीक है। उसके बाद सीमेंटेड बाले हम तैयार कर रहे हैं जी जी, सीमेंटेड टाइलें जो छत पे डालते हैं, ठीक है। उसके बाद सीमेंटेड गार्डरेज वगैरह भी होंगे, रेत दे रहे हैं, सीमेंट दे रहे हैं, सरिया, बजरी, मोटा पत्थर, गैड़ा वगैरह जो कुछ भी इस बिल्डिंग लाइन में है ना, हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी आदमी को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो यहाँ पर ही हम उसको प्रोवाइड करें, उसको दें कि वो ज़्यादा आगे पीछे ना भाग सके, उसको एक सहूलत दी जाए जी जी। आप थोड़ा सा हम जहाँ पर ये मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, बन रहे हैं, थोड़ा सा हम उसको कवर करेंगे, ज़रा पीछे से थोड़ा सा हो सकता है कि नॉइस भी हो जी, लेकिन जी। हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पर आएँ। अभी हमारी दिलचस्पी और बढ़ गई है, अभी इस्कंदर भाई से हम और मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। ये जो हमें नज़र आ रहे हैं नीचे जो ये ब्लॉक पड़े हुए हैं, ये नीचे जो बेड बना हुआ है, इस बेड पर कितने कोई इस्कंदर भाई ये कितने आ जाते हैं यहाँ पर तबूत जो हैं या ब्लॉक जो हैं, कितने आते हैं? इसमें देखें आपके सामने ये दो किस्म के ब्लॉक पड़े हुए हैं, ये ठोस है, वो हेलो ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये फुल मतलूस जिसे अरबी में आप कहते हैं। ये ठोस ब्लॉक जो तकरीबन 7,500 एक टाइम में ये एक दिन में निकाल रहे हैं आजकल, ठीक है। हमारे पास जितनी डिमांड जिस चीज़ की उस हिसाब से हम उसका फर्मा वगैरह चेंज करा कर उस हिसाब से लगाते हैं। अभी हमारे पास हेलो का आर्डर है तकरीबन 25-26,000 का, तो हम उसको कवर कर रहे हैं अभी ना, एक दिन लगाते हैं इसमें ये निकालते हैं। जो ठोस है वो तकरीबन 7,500 के करीब इस बेड पे निकलता है। अच्छा। जो हेलो है वो तकरीबन आप कर लें, उसकी थोड़ा साइज़ बड़ा होता है ना, वो तकरीबन 62-61,100 वो ब्लॉक 6,000 कर लें आप, ठीक है। मतलब तकरीबन इतना, इससे थोड़ा सा काम ऊपर वो निकलता है हेलो जो है। सुंदर भाई ने बताया कि ये जो फुल है ना, ये तकरीबन 7,500 इस बेड पर तैयार कर लेते हैं एक दिन में पर डे, और जो हॉलो है आम बच्चों में यहाँ पर हॉलो हॉलो भी चलता है ज़रा, जो खाली है तो ये तो अगर आप देखते हैं ये तकरीबन 6,000 प्लस जो है ना, 6,000 प्लस जो है ना वो बन जाए। अच्छा, इसका थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि ये स्टार्ट कहाँ से, यानी कौन सी पहली मशीन ये वाली होती है, उससे पहले देखें वो मिक्सर मशीन है जो आम रूटीन में आप लोग जो है ना इस्तेमाल भी कर रहे हैं, कहीं भी कंस्ट्रक्शन हो वहाँ पर लैंडर में भी, तो ये मिक्सर मशीन में सीमेंट और बजरी रेत जो है ना, पानी जो है इसमें मिक्स होता है, जब वो रेडी हो जाता है तो ये ब्लॉक्स बनाने वाली मशीन है, ये वाली है। हाँ, इसमें हेलो का सच्चा लाग होता है फर्मा, वो हमें चाहिए तो हम उसका लगा लेते हैं, ठोस का चाहिए तो हम ठोस का फर्मा इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं, मतलब तीन फर्मे हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें जब चाहिए। तो ये जो सामने वाली जो आपको नज़र आ रहा है ये रेडीमेड इस तरह का, तो यहाँ पर वो मटीरियल क्या पहले यानी सीमेंट तैयार होता है इसमें, और वहाँ से फिर ये वाली जो सामने मशीन है ना, इस पर तीन किस्म के फर्मे हैं जो डिफरेंट साइज़ के, जो हॉलो है या खाली जो है या तीसरा साइज़ का जो वो फिर इसके हिसाब से लगा के उस हिसाब से फिर बनाते हैं, और साथ साथ लेकर उस बेड के ऊपर जो है ना वो इसको कर देते हैं, इसके दूध के लिए चाय होता है इसको करना। अब यहाँ पर
आपको एक्सटेंशन क्या क्या और मजीद यहाँ पर और बेड बनाने की क्या आप जी? मैं असल में जितना अल्हम्दुलिल्लाह सीज़न का मेरे पास काम आया ना, मैं ये सोच रहा था कि ये तकरीबन 20 फुट ऐसे ना इसकी चौड़ाई करके इसको बेड को मैं और बड़ा करूँ कि कमो पेश मुझे 10,000 जो है ना एक टाइम में ब्लॉक्स मिले मुझे, कि जिस हिसाब से मेरा काम है अल्हम्दुलिल्लाह, और बेड बड़ा ही होना चाहिए, छोटे से काम नहीं चलता है, तो इसलिए इसको बड़ा कर रहे हैं हम ना। हाँ ये जारी यहाँ पर यानी ब्लॉक्स के साथ सीमेंट और बजरी एग्रीगेट और जो जो छत के ऊपर डालने वाले वो स्लैब्स होती हैं या वो सीमेंटेड बाले जो होते हैं जो तैयार छतें होती हैं रेडीमेड जो होती हैं वो भी इंशाल्लाह असेंबली लाइन में यहाँ पर अंतरी भी स्टार्ट हो रहा है वो भी, और ऑफिस जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है इस साइड पर। जी जी थोड़ा सा उधर देख लेते हैं जी। तो अभी असकर भाई जो है ना वो हमें ये बताएंगे कि ये डिलीवरी कैसे करते हैं और ये जो जितना लोग काम कर रहे हैं या किस तरह आप इनको ट्रीट करते हैं, किस तरह आप जी? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी 3 ट्रैक्टर्स हैं। अच्छा। तो ये मेरी जो है ना ब्लॉक फैक्ट्री की ये सारी मेरी लेबर भाई हैं मेरे, बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनती हैं और सही ईमानदारी के साथ ये ब्लॉक बनाते हैं। अच्छा। ठीक है, तो इन्होंने ये देख रहे हैं अब वो ट्राली में वो रख रहे हैं, उसको सेट कर रहे हैं बड़े तरीके के साथ वो कर रहे हैं, उसके बाद जाकर जो जगह पर पॉइंट है वहाँ पर ये ऐसे ही उतार के एक साथ में रख आएंगे। तो हम एक टाइम में हम अल्हम्दुलिल्लाह 3 ट्रैक्टर हैं उनके साथ हम ये डिलीवरी करते हैं जहाँ जहाँ भी ज़रूरत होती है। उसके बाद हमारे पास लोडर्स हैं, रक्षा लोडर्स वगैरह भी हैं, तो उनमें भी हम छोटी मोटी डिलीवरी उस पर कर रहे हैं, समझ आए ना। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह लेबर भाइयों की सारी मेहनत है, कोशिश है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ज़ात पर बरकत डाल रहा है इसमें। फैमिली यहाँ पर एक टीम वर्क के तौर पर काम करते हैं, इस फैमिली के तौर पर काम करते हैं, मिलकर एक दूसरा जो उसके बगैर तो ये मुमकिन नहीं है ना। तो यहाँ पर हमारे जो ना अपने ट्रांसपोर्ट के साथ है डिलीवरी जो है ट्रैक्टर और साल लोडर हैं और नज़दीक जहाँ पर जितनी ज़रूरत होती है जिसको भी ज़रूरत होती है वो फिर कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर भी आ जाते हैं, फ़ोन पर भी हो जाता है, उसी तरह ऑर्डर हो जाते हैं। अब हम थोड़ा सा कीमत या उस साइड पर देखने को चलते हैं जी। अभी सिकंदर भाई ने जो स्टोर बनाया है इसमें देख रहे हैं कि क्या इसमें जी सिकंदर भाई क्या जी? ये स्टोर तकरीबन 30-33 फुट तकरीबन लंबा ही है और इसकी चौड़ाई 15 फुट रखी है। इसमें तकरीबन 5,006 के करीब एक साइड में हम इस साइड में हम सीमेंट पूरा करते हैं, ठीक है, और दूसरी साइड में हम सरिया जो आज हमारा आ रहा है वो हम इंशाल्लाह रखेंगे जी। अभी स्टोर के बारे में तो आपको अभी मैं सिकंदर भाई से ये जानने की कोशिश करूँगा कि इनकी जो डिलीवरी रेंज है कहाँ कहाँ तक ये माल पहुँचा रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक ऑर्डर आ रहे हैं जी सिकंदर भाई? जी उसमें ये है ना कि हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ तलकात हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये लालमुस है, डिंगा हो गया, गुजरात हो गया, खारिया हो गया, तो ज़ाहिर है जब दोस्त किसी कोई भी डिमांड करता है यार हमें तकरीबन 10,000 या 15,000 ब्लॉक चाहिए, तो हम फिर क्या करते हैं हम यहाँ पर रेडी करके उसको एक डंपर वगैरह कोई ना हायर करते हैं, उसको रेंट पे लेते हैं, उसमें हम फिल करके उसको फिर वहाँ पर छोड़ के आते हैं, चाहे वो कितनी भी दूर हो, फिर उस हिसाब से उनसे हम बात कर लेते हैं ना कि इतने में आपको ये चीज़ हम देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर भी कोई दोस्त दूर भी है या कोई कस्टमर दूर है तो हम वहाँ पर भी पहुँचाने को रेडी हैं, उस हिसाब से हमारा वो उनके साथ तय पा जाएगा कि ये हम ब्लॉक्स का लेंगे तो हम डंपर में उनको वहाँ पर सप्लाई दे देंगे। अब ये देखें ये जो है ना मोनोग्राम और अभी मज़ीद इसमें चीज़ें आ रही हैं, बजरी, सीमेंट, रेत और बॉक्स है, और ये जो छत वाली जो रेडीमेड है उसके बारे में आ रहा है, ठीक है, और जो मुख्तलिफ़ किस्म की टाइल होगी टफ टाइल या वो फ्यूचर प्लान में आ जाए, सादा टाइल है, फूलदार है, बाला टफ टाइल, गुस्सा टाइल, मैंने उसकी डिफरेंट शेप्स होती हैं ना ये भी होती है। अब हम थोड़ा सा बाहर फ्रंट से कवर करने की कोशिश करेंगे और फिर इस आज के व्लॉग को फिर क्लोज भी करेंगे और फिर इनसे आज की जो इंशाल्लाह मैसेज के लिए जो सब के लिए जी। अभी आज का जो हमने व्लॉग कवर किया है अब ये हमारा मेन एंट्रेंस है, तो इसमें आपको नज़र आ रही है ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो स्टॉक पड़ा हुआ है, तो उसके अंदर भाई आज के जो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सारे अपने ऑडियंस को? मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ ऑडियंस को भी और ब्लॉक फैक्ट्री के मालकान को भी
कि कोशिश करें ब्लॉक फैक्ट्री के लिए, तो मैं ये कहूँगा कि कोशिश करें एक अच्छा मियार बनाएं कि लोगों का एतमाद इस ब्लॉक पर और ज़्यादा हो। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ लाला मूसा में मैं हूँ, तो यहाँ पर तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इनका एतमाद है हम पर। तो ब्लॉक तकरीबन काफ़ी जगह पर ये फैक्ट्रीज खुल गई हैं, तो इनको चाहिए अच्छा एक मियार दें और कोशिश करें कि जहाँ पर कोई गरीब गुरबा आते हैं ना, वहाँ पर कमाएँ ज़रूर लेकिन बहुत कम रेट पर, उनकी भी गरीबों का कुछ चलो ध्यान करें। तो ये मेरी पैगाम इनके लिए, ब्लॉक फैक्ट्री के लिए और गरीब गुरबा की मदद करें ऑडियंस के लिए। तो लाला मूसा दामा में बैठे हैं, हमारे साथ ये नज़द गोट फार्म भी है, तो आवाम की खिदमत के लिए हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे म्यार और अच्छा करने की, और जितना सस्ते से सस्ता हो इसको हम लोगों तक ये ब्लॉक्स पहुँचाएँगे। जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया आपने तशरीफ़ लाई, बहुत जी। आज आपने देखा कि सिकंदर भाई ने हमें बहुत तफसील के साथ, और बहुत शुक्रिया। अभी अमर वड़ै साहब आ रहे हैं जो के साथ सुपरविजन भी करते हैं और ड्राइविंग भी करते हैं, ठीक है। तो आज का हम व्लॉग यहाँ पर एंड करते हैं, उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको अच्छा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें जिस हाल में रखे बेहतरीन इस कोरोना की वबा से बचा के रखें और हमारे कारोबार में तरक्की दे। अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो व्लॉग है ये आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ ये असम्बली लाइन पीछे नज़र आ रही है, यहाँ पर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो नया स्टार्टअप करना चाहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है ये भी कि आप यहाँ पर पाकिस्तान में रह के भी इस तरह का बेहतरीन बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और ये पूरी टीम जो है काम हो रहा है, लोडिंग हो रही है साथ साथ। तो ये हम दामा डिंगा रोड पर, ये बिल्कुल रोड के साथ ही है, और ये सारी जो है ना इसमें हम देख रहे हैं। तो उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मज़ीद इससे भी बेहतर, यानी हम बेहतर की तलाश में होते हैं कि कंस्ट्रक्शन लाइन जो हमने वहाँ पे स्टार्ट किया था क्रशर का, और फिर ये हमारा उसके साथ आज मास्टर ब्लॉक फैक्ट्री को हमने कवर किया। तो इसके बारे में हमें अपनी सजेशन भी दीजिएगा, कमेंट्स भी दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।